आपके साथ शिरीन। सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बैठक करने जा रहे हैं। शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्रियों की ये बैठक होनी है। कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका कैसे जाए, इसी रणनीति पर चर्चा होगी। वैक्सीनेशन में तेजी लाने को लेकर भी चर्चा होगी। तो शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने की रणनीति तैयार करने को लेकर चर्चा की जा सकती है, और साथ ही वैक्सीनेशन में तेजी किस तरह से लाई जाए इसे लेकर भी चर्चा होगी। तो प्रधानमंत्री आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे शाम 6:30 बजे। देश में फिर विकराल हुआ कोरोना। लगातार अब आ रहे हैं रोज 1 लाख से ज्यादा मामले। एक्शन में पीएम मोदी, आज मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। वैक्सीनेशन में तेजी और कोरोना को फैलने से रोकने के तरीकों पर होगी चर्चा। देश में कोरोना का विस्फोट हो गया है, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर 2020 के कोरोना पर भारी हो गई है। राज्यों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो चुकी है, फिर भी हालात संभल नहीं रहे हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री मोदी फिर से हालात को संभालने के लिए आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। ये बैठक शाम 6 बजे होगी। आज की बैठक में प्रधानमंत्री जिन मुद्दों पर चर्चा करेंगे उनमें हैं, वैक्सीनेशन में और तेजी कैसे लाई जाए, ज्यादा संक्रमित राज्यों में हालात कैसे संभाले जाए, क्या वैक्सीनेशन की उम्र सीमा और कम की जाए, कुछ और वैक्सीन को कब तक मंजूरी पर चर्चा संभव, ज्यादा संक्रमित राज्यों को ज्यादा वैक्सीन कैसे दी जाए, कोरोना लॉकडाउन पर फैल रही अफवाहों को कैसे रोका जाए, मजदूरों के पलायन जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। वहीं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा में क्या कदम उठाने हैं, इस पर फैसला पीएम की बैठक के बाद देंगे। अब क्या कठोर कदम उठाने हैं, प्रधानमंत्री जी की वीसी के बाद फैसला करेंगे। कोविड प्रोटोकॉल है, उसको लोगों से मेंटेन करने के लिए कहेंगे भी और करवाएंगे भी। कोरोना दोबारा फिर उसी स्तर पर आ गया, और जो जो तैयारियाँ हमने पिछली बार की थी वो सारी तैयारियाँ दोबारा की जाए। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री मोदी आज की बैठक के जरिए मेगा प्लान बनाना चाहते हैं। हालांकि इससे पहले पीएम मोदी ने कोरोना को लेकर 4 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इस बैठक में पीएम के प्रधान सचिव, कैबिनेट सचिव, स्वास्थ्य सचिव और डॉक्टर विनोद पॉल शामिल हुए थे। इस बैठक के बाद देश में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल के बीच खास अभियान शुरू किया गया, जिसके तहत सभी लोगों को मास्क पहनने, सार्वजनिक स्थलों को किस तरह सैनिटाइज रखा जाए, इन तमाम मुद्दों को लागू किया गया। इसके साथ ही कोरोना से ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब में केंद्रीय टीम भी भेजी गई। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना को लेकर राज्यों से अब चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 17 मार्च को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर को लेकर चेतावनी दी थी और कहा था कि वैक्सीनेशन में ज्यादा से ज्यादा तेजी लानी होगी और कोरोना को रोकने के लिए सही योजना के तहत काम करना होगा। आज की बैठक से पहले बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोरोना को लेकर केंद्र को दोष देने पर महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली सरकार को कड़ा जवाब दिया। हर्षवर्धन ने कहा, अपनी नाकामी छिपाने के लिए कुछ राज्य लोगों में दहशत फैला रहे हैं। बेहतर होगा कि राज्य सरकारें राजनीति पर ध्यान देने के बजाय अपनी आधारभूत स्वास्थ्य संरचना पर जोर दें। महाराष्ट्र सरकार द्वारा जिम्मेदारी से कार्य न करना समझ से परे है। लोगों में दहशत फैलाना मूर्खता है। वैक्सीन आपूर्ति की निगरानी लगातार की जा रही है और राज्य सरकारों को इसके बारे में नियमित रूप से अवगत कराया जा रहा है। मतलब साफ है कि केंद्र सरकार चाहती है कि कोरोना पर कोई राजनीति ना हो। इसके साथ ही कोरोना पर नियंत्रण के लिए केंद्र ने राज्यों को पत्र भी लिखा, जिसमें कहा, राज्य सरकार कार्यस्थल पर टीकाकरण सुनिश्चित करे। 11 अप्रैल से निजी और सरकारी कार्यस्थल पर टीकाकरण होगा। 75 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। एक बार में 100 लोगों का टीकाकरण होगा।
देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 9 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में अगर निजी कार्यस्थलों पर टीकाकरण की शुरुआत होती है तो टीकाकरण की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बीते 22 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये तीसरी बैठक होने जा रही है। 17 मार्च को पहली बैठक मुख्यमंत्रियों के साथ मंथन किया था प्रधानमंत्री ने, फिर उसके बाद 4 अप्रैल को अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री ने चर्चा की थी और फिर आज मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मंथन करेंगे। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए क्या रणनीति अब अपनाई जाए जिससे कि इस रफ्तार को रोका जा सके, इसी को लेकर आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मंथन होने जा रहा है। सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ कृष्णा ठाकुर मुंबई से जुड़े हुए हैं। कृष्णा, सबसे पहले तो मुंबई का अपडेट क्या है, फिलहाल ताजा आंकड़े क्या है वो बताइए। शीर्ष में आपको बताऊं कि देखिए कोरोना के मामले इतने विकराल रूप धारण कर लिया है, जब जो प्रधानमंत्री हैं वो 6:30 बजे जो है राज्य के सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करेंगे, कोरोना का जो क्या स्थिति है वो जायजा लेंगे। फिलहाल ये मुंबई की अगर बात करूं तो मुंबई में अब कुछ बोलने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये LTT का दृश्य है। LTT के बाहर मैं खड़ा हूं अब यहां पर, और देखें कि बीते 24 घंटे की अगर बात करूं तो मुंबई में पूरे महाराष्ट्र भर में 322 मौतें हो चुकी है, करीबन 60,000 के करीब जो है केस आ गया है। महाराष्ट्र हमेशा से टॉप कंट्रीब्यूटर रहा है कोरोना केसेस को लेके। महाराष्ट्र ही नहीं, मुंबई की अगर मैं बात करूं तो मुंबई की स्थिति भी काफी अच्छी नहीं है। मुंबई में रोजाना नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, बीते 24 घंटों में 10,500 के करीब केस आए हैं। अब देखिए कि ये LTT स्टेशन का दृश्य है और यहाँ पे जो है मजदूर लोग उनका जो पलायन फिर से शुरू हो गया है। कमोवेश जो पुरानी साल की जो परिस्थितियां थी वो फिर से नजरों के सामने आ रही है। आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं, इनके मन में यही डर है कि कल जो है पिछले साल जैसी स्थिति ना हो जाए, हमें पैदल ना जाना पड़े। इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन की घोषणा अभी नहीं की है, लेकिन ये पिछले साल की स्थिति से बचने के लिए लोगों के मन में एक डर है कि पिछले साल की जो स्थिति है वो हमसे दोबारा रिपीट ना हो। इसीलिए आप देखिए कि ये जो मजदूर हैं वो सब लोग अपने राज्य के लिए राज्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको बताऊं कि ये जो मजदूर सब हैं ये इनका कोई कंफर्म टिकट नहीं है, ये जो है सब लोग दिहाड़ी मजदूर करने वाले लोग हैं, 15-20 हजार रुपए की कमाई करने वाले लोग हैं। और आपको मुंबई में अगर रहना है तो 15-20 हजार जो है वो सस्टेनेबल नहीं है, और इसीलिए कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है इनका, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। और यही वजह है कि ये पिछले साल के जो दृश्य है उनको नजरों के सामने नहीं लाना चाहते और इसीलिए ये अब जो है अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि डर है लोगों के अंदर कि और क्या सख्ती उठाई जा सकती है, सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉकडाउन लग जाएगा, और यही डर लोगों को अपने घर की तरफ एक बार फिर से बढ़ा रहा है। शुक्रिया कृष्णा आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। और देखिए कोरोना की दूसरी लहर ने काफी चिंता बढ़ा दी है क्योंकि आंकड़े डरा रहे हैं, 1 लाख से ज्यादा रोज मामले सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र मुंबई में रिकॉर्ड केस दर्ज किए गए, पंजाब में इसे लेकर एहतियातन कदम उठाया गया, नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी लॉकडाउन और लखनऊ में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के नए मामले देश में हर रोज 1 लाख से ज्यादा आ रहे हैं। 2020 में जब कोरोना पीक पर था तब भी मामले 1 लाख को पार नहीं कर पाए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2021 में कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक है। आंकड़े बताते हैं कि देश में 64 दिन में कोरोना के नए मामले 12.31 गुना बढ़ गए हैं। 2 फरवरी को 8,635 थे, 22 फरवरी को 14,199, तो 28 मार्च को 65,714, 3 अप्रैल को 89,129 मामले सामने आए, 4 अप्रैल को 93,249, 5 अप्रैल को 103,558 और 7 अप्रैल को 115,000 मामले। यानी अप्रैल में आंकड़े और तेजी से बढ़ रहे हैं और यही सबसे बड़ी चिंता है।
हालांकि राज्यों के लिहाज से बात करें तो 5 राज्यों में ही 75% से ज्यादा मामले हैं और अकेले महाराष्ट्र में नए मामले देश के कुल मामलों का करीब 60% है। महाराष्ट्र में 96 दिनों में कोरोना के 16 गुने नए मामले बढ़े हैं। महाराष्ट्र में 1 जनवरी को 3,509 मामले थे, 22 फरवरी को 6,971 हुए, 4 मार्च को 9,855 नए मामले आए, 20 मार्च को 27,126, 28 मार्च को 40,414, 6 अप्रैल को 55,469 मामले सामने आए और 7 अप्रैल को 59,907 मामले। देश की राजधानी दिल्ली में भी हालात तेजी से खराब हो रहे हैं। दिल्ली में तो 50 दिनों में 57 गुना नए मामले बढ़े हैं। दिल्ली में 16 फरवरी को सिर्फ 94 मामले सामने आए, 24 फरवरी को 200, 5 मार्च को 312, 20 मार्च को 813 नए मामले आए, 4 अप्रैल को 4,033, 6 अप्रैल को 5,100 और 7 अप्रैल को 5,506 नए मामले आए। राज्यों में लगातार कोरोना को फैलने से रोकने के लिए अलग अलग पाबंदियां लगाई जा रही हैं। महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू लग चुका है। दिल्ली में भी 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाया जा चुका है। गुजरात के 20 शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। प्रेजेंटिंग वी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।